फतेहाबाद के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद माना जा रहा है कि बुलेरो में सवार प्रियव्रत फौजी और अंकिता सिरसा दोनों शार्प शूटर सोनीपत के रहने वाले हैं। पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर एक के बाद एक कई कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दो लोग फतेहाबाद के बिस्ला गांव पेट्रोल पंप पर दिल्ली नंबर की गाड़ी में तेल डलवाने पहुंचे थे। मूसेवाला को गोली मारने वाले शार्प शूटर की पहचान। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक पेट्रोल पंप पर बुलेरो जीप तेल डलवाने के लिए रुकती है। गाड़ी से जो दो युवक नीचे उतरते हैं ये दोनों सोनीपत के रहने वाले शूटर्स प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा बताए जा रहे हैं। प्रियव्रत का हुलिया सीसीटीवी से मेल खाता है। जानकारी के मुताबिक प्रियव्रत फौजी 18 मार्च 2021 को सोनीपत में गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा के पिता की हत्या में शामिल था। गांव ससाना गड़ी का ये रहने वाला है। कौन है शूटर प्रियव्रत फौजी? वही अंकित सिरसा की सोनीपत पुलिस के पास कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। प्रियव्रत फौजी रामकरण गैंग का शार्प शूटर रहा है। इस पर दो हत्याओं समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान हत्यारे बुलेरो में ही सवार थे। गौरतलब है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के गुरको का नाम भी सामने आया। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी।